कार्तिक, जिस दिन बीजेपी और शिवसेना के बीच में गठबंधन टूटा, क्या उसी दिन नींव नहीं पड़ गई थी कि सरकार को तो जाना ही जाना है? भाई कर्नाटक की सरकार गई, आप शांत बैठे रहे, आपको अंदाजा नहीं लगा। मध्य प्रदेश में सरकार चली गई, राजस्थान में सरकार जाते जाते बची है, तो और यहाँ तो तीन पैरों पर खड़ी हुई सरकार थी, और वो भी तीन अलग अलग गुट थे जिनके बीच किसी तरीके का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। मैं आप ही के ऑपरेट से आपका जवाब दे देता हूं आज के। इट वाज नॉट अ मैटर ऑफ वेदर, इट वाज अ मैटर ऑफ व्हेन। एंड जैसा कि आपने कहा कि इतना समय क्यों लग गया, ठीक, तो मुझे लगता है उस इतना समय इसलिए लगा क्योंकि एक शरद पवार साहब एक बहुत अहम भूमिका निभा रहे थे इसके संचालन में। दूसरा, आशुतोष जी, शिवसेना ने भी जो कॉन्फ्रंटेशन एटीट्यूड लिया, उन्होंने बीजेपी को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। और बीच में जब ये कोविड का एक आया था, तब तो उद्धव ठाकरे साहब की चीफ मिनिस्टरशिप की भी काफी सराहना की जा रही थी। हालांकि उसमें सुशांत सिंह राजपूत वगैरह के वो जो मुद्दे पूरे उठे उसमें बहुत कुछ हुआ, लेकिन एज अ सीएम फेस उनको भी की 6 महीने बाद, इनके शपथ लेने के 6 महीने बाद ही कोविड का संकट शुरू हो गया, 3-4 महीने बाद, और उसके दौरान उनकी चीफ मिनिस्टरशिप की काफी सराहना की जा रही थी, तो वो एक ठीक ठाक ट्रैक पर थे। लेकिन आज की तारीख में चीजें बदल रही हैं, और मैं ये मानता हूं कि शिवसेना ने इस दौरान एक चीज ये करी, वो समझ गए थे कि हिंदुत्व से अब हम बीजेपी के साथ ना तो रह सकते हैं ना उनके खिलाफ रह सकते हैं, सिर्फ हिंदुत्व पे, क्योंकि हिंदुत्व जो बीजेपी की एक वो जागीर बन गई है, तो अब हमें एक डिफ्रेंसिएशन पॉइंट चाहिए। तो नियो लिबरल शायद आदित्य ठाकरे एक फेस थे, लेकिन मुझे दिखा जो कि वो वापस अपने मराठी इशू पर जा रहे थे, वो उसको डी हिंदुत्वाइज कर कर एक वो कह रहे थे कि देखिए हिंदुत्व तो बैकग्राउंड में चल रहा है, लेकिन हमारा की डिफरेंसिएशन पॉइंट जो है वो होना चाहिए जिससे हमने शुरुआत करी थी, और साथ में एक न्यू लिबरल एक ओरिएंटेशन क्रिएट करेंगे आदित्य ठाकरे की जनरेशन से। लेकिन फिर वही बात जो कांग्रेस नहीं कर पा रही, शायद वही जनरेशनल शिफ्ट एक जो हुआ, क्या उद्धव ठाकरे साहब उसमें मात खा गए, ये जो संवाद टूटने की बात आ रही है, बीच में देखिए बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी रहे, उनकी सेहत भी सही नहीं रही, बीच में कोविड भी रहा, तीन पैरों की आपकी सरकार है, तो उनकी जो चीफ मिनिस्टरशिप है कोई खास आसान नहीं थी, लेकिन उसमें उन्होंने अपनी पार्टी से संवाद बनाकर नहीं रखा। इसी वजह से शायद आज जब ये आपने जब बोला कि 19 में जब ये बात चली थी कि ये सरकार तो जाएगी, तो आपको लगा था कि शिवसेना में टूट की वजह से ये जाएगी। यूजुअल सस्पेक्ट कौन था? द सस्पेक्ट वॉज कांग्रेस, कि वीकेस्ट लिंक कांग्रेस रहेगी, इनको तोड़ना आसान होगा, फिर शायद एनसीपी और फिर शायद शिवसेना। लेकिन आज का जो प्रकरण है इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी एक स्कोर सेटल कर रही है, लेकिन साथ साथ बीजेपी ये भी शायद उनके दिमाग में ये होगा कि इन तीनों पार्टियों में से सबसे खतरनाक शायद शिवसेना है उनके लिए नेशनली भी, कि देखिए एनसीपी को निपटा लेंगे अंडर द टेबल, कांग्रेस को निपटा लेंगे पॉलिटिकली, लेकिन शिवसेना उन्हीं की जवाब में उन्हीं की भाषा में उनको जवाब देना जानती है, उनका जेनेसिस भी कहीं ना कहीं एक जैसा है, तो इस वजह से बीजेपी के लिए तो ये बहुत ही विन विन सिचुएशन है। लेकिन मैं अभी भी नहीं मानता कि द डील इज डन। मैंने दूसरे शो पर भी कहा था कि कांग्रेस में आप देखिए दो तरह के उदाहरण है, एक सिंधिया साहब का उदाहरण और एक पायलट साहब का उदाहरण। एक केस में पायलट था, प्लेन था, टेक ऑफ हो गया, एक केस में पायलट था, प्लेन था लेकिन टेक ऑफ नहीं हुआ। तो ये जो 30 से 37 की जो जर्नी है ना आशुतोष सर, ये बहुत अहम है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा जो ये 30 एमएलए हैं, अगर ये नंबर नहीं बढ़ता है तो वो भी इम्पेशेंट होने लगेंगे, और ऐसे में जिसके हाथ में सत्ता है उसके पास एडवांटेज रहता है, उनके पास देने को होती हैं चीजें वर्सेस जो सत्ता में नहीं है। तो अगर समय ज्यादा खिंचता है तो ये बाजी वापस शिवसेना के पाले में आ सकती है, लेकिन अगर जल्दी जल्दी ये प्रक्रिया खत्म होती है तो फिर उसका अंत शिवसेना की सरकार के जाने, महाविकास आघाड़ी की सरकार के जाने से ही होगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।